दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से फ्री फायर गेम मोबाइल से खेलने के लिए जो ऑक्टोपस ऐप से फ्री फायर गेम कनेक्टिविटी नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपने ऑक्टोपस ऐप से फ्री फायर गेम को ओपन करना है कंप्यूटर कीबोर्ड से खेलने के लिए, उसी टाइम पे जो कि कीबोर्ड से और माउस से जो कि फ्री फायर गेम कनेक्ट नहीं हो पाता है, ऑक्टोपस ऐप से कनेक्ट नहीं हो पाता है ठीक ठाक से, जो कि कीबोर्ड का जो कि बटन जो कि वर्क नहीं करता है, तो इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे करते हैं और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है आज के इस वीडियो में सारा डिटेल बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है राकेश, आप देख रहे हैं स्ट्रीम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपने कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से कनेक्टिविटी, सबसे पहले आपको ठीक से ध्यान से आपको करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लिया हूँ, और टोटली आपको यहाँ पर लूज नहीं होना चाहिए, टोटली प्रॉपरली यहाँ पर ठीक से लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो भी ओटीजी जो केबल है आपके पास, ओटीजी केबल प्रॉपरली आपको लगा होना चाहिए, ये आपको खेलने से पहले आपको चेक कर लेना होगा। उसके बाद आपको सबसे पहले जो गलती हम लोग करते हैं जो ज़्यादातर, कि हम लोग पहले हम इंटरनेट को ऑन करके ऑक्टोपस ऐप्स को हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फ्री फायर गेम को खेलने टच कर देते हैं, उसके बाद हम ऑक्टोपस ऐप्स जो कि ओटीजी केबल रहता है हमारे पास कंप्यूटर कीबोर्ड से जो कनेक्टिविटी जो ओटीजी केबल है इसको हम लगाते हैं। ऐसा गलती कभी नहीं करना, क्योंकि इसको अगर अपने बाद में लगाते हो, ऑक्टोपस ऐप्स को ओपन करने के बाद अगर अपने ये ओटीजी केबल लगाते हो, तब आपके जो कि कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगा ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसे करता हूँ वैसे ही आपको करना पड़ेगा। जैसे ही मैं अभी ऑक्टोपस ऐप से फ्री फायर गेम खेलूँगा, तो सिंपली हम हमारे जो कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से जो कनेक्टिविटी जो ओटीजी केबल है इससे हम सबसे पहले मोबाइल में लगा देंगे, उसके बाद हम ऑक्टोपस ऐप्स को ओपन करेंगे। और जैसे ही हम ऑक्टोपस ऐप्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री फायर गेम दिखाई दे रहा है, सिंपली हम फ्री फायर गेम में टच कर देंगे और कंटिन्यू प्ले इसमें टच करेंगे और स्किप में क्लिक करेंगे, और इसके बाद मोबाइल को हम रख देंगे और फ्री फायर गेम जो कि यहाँ पर ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी कनेक्टिविटी है आपको यहाँ पर कनेक्ट भी हो चुका है ठीक है। और यहाँ पर आपको माउस में आपको हाथ रखना है माउस में ठीक है, और गेम आपको ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे आपने यहाँ पर गेम आएगा लॉगिन का ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आएगा आपको तुरंत आपको दबा देना है ठीक है। तो यहाँ पर ओपन हो रहा है ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे ही ओपन हो जाएगा उसके बाद और एक बटन भी मैं आपको दिखा दूंगा ठीक है, जो कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर 1 2 3 जैसे लिखा है, तो देखिए मैंने दबा दिया। जैसे ही वो होम पेज आया फ्री फायर के, मैं यहाँ पर दबा दिया, यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके दबा दिया, और आप देख सकते हो फ्री फायर के जो कि होम स्क्रीन यहाँ पर आ चुका है, पेज आता है। मैं इसको कनेक्ट कट कर देता हूँ ठीक है, और इसको भी हम कट कर देते हैं ठीक है। तो आपको मैं सिंपली अब बता दूं, जब भी आपने फ्री फायर गेम को खेलते हो इसी टाइम पे आप देखना यहाँ पर जो लिखा है, जो राइटिंग लिखा है, ये 1 2 3 8 ऐसा आपको लिखना चाहिए ठीक है। जब भी आपने कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से कनेक्ट करते हो तब ऐसा आपको लिख के आना चाहिए, ये तब भी आप देखेंगे आपके जो कि माउस पे जो कि कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से वर्क करेगा ठीक है। और माउस का बटन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहता है, आप थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पर आपको लगा देना है ठीक है आपके जो माउस का बटन, और उसके बाद सिंपली राइट चिन्ह में क्लिक कर देना, आपके माउस भी वर्क करेगा ठीक है। यहाँ पर माउस का जो राइट बटन है, राइट बटन भी वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से आपने फ्री फायर गेम पे अगर आपने कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर जो हमने आपको जो प्रोसेस आपको दिखाया, आपको सबसे पहले आपको यही वाला बटन आपको लगाना है, उसके बाद आपको गेम को ऑक्टोपस ऐप्स को ओपन करके फ्री फायर गेम को ओपन करके खेलना है, तब आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसानी से ये गेम जो कि ओपन हो जाएगा ऑक्टोपस ऐप से माउस से, आप गेम को आप कंट्रोल कर सकते हो। और दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अपने चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, गुड बाय।